मैं कोई केवल अध्यात्मवाद नहीं, आपके छोटे छोटे घरेलू जो आपके कार्य है उनको भी कर रहा हूं। इन सब चीजों पर आप सबका ध्यान और विचार होना चाहिए। आप उसी भूमि पर रहते हो, उसी पर मुसलमान रहते हैं, उसी पर ईसाई रहते हैं और उसी पर सिख रहते हैं, लेकिन जब अपने यहां शादी विवाह होने को होता है उस समय मुसलमानों के यहां नहीं, जब आपके यहां समाप्त हो जाएगा तो मुसलमानों के यहां शुरू होगा। आप कहते हो कि हमारे यहां शादी की लगन नहीं है और मुसलमान कहते हैं कि हमारे यहां शादी की लगन है। जमीन एक है, वायुमंडल एक है, गांव और शहर एक है, आप एक ही जगह रहते हो। एक कहता है कि नहीं और दूसरा कहता है कि है, कोई ऐसी बात तो जरूर है जो दोनों लोग भूल भुलैया में हो गए। ये सब सामाजिक काम आपके बहुत सुलभता से आसानी से हो, ये आप जानते हो कि मुंडन में कितना खर्चा होता है, जगह भविष्य में कितना खर्चा होता है, ब्याह शादी में कितना खर्चा होता है, ये सब आप अनुभव कर रहे हो और ये यहां सुगमता से चलो चलो जल्दी से, जिनको नामदार लेना है वो जल्दी से जल्दी आ जाओ, पीछे छूट जाओगे तो फिर रह जाओगे आप। बात है कि वो चीज रात भर लगे, वो चीज आपकी आधे घंटे में हो जाए, लेकिन पद्धति के अनुसार सब कार्य है। और हमारे यहां तो ये कहा गया कि महात्माओं के यहां बधाई मतलब शुभ मुहूर्त माना जाता है, उनके और पूजा के लिए हमेशा शुभ मुहूर्त है और कोई दिन बाकी नहीं, हमेशा शुभ मुहूर्त लगा हुआ है पूजा के लिए, भगवान के भजन के लिए एक मिनट भी खाली नहीं। तो जहां पर शुद्धि है और शुभ मुहूर्त है वहां उसके लिए क्या सोचना, कुछ नहीं। बखेड़े खड़े मत करो, अपने आप इसमें फंस गए और अपने आप उलझ जाओगे, सुलझ जाओगे। दोनों काम आप कर सकते हो, उलझ भी सकते हो सुलझ भी सकते हो। चलो चलो जल्दी से बच्चों, देर मत करो, जल्दी से आ जाओ। देखो विशेष करके इस बात का ध्यान रखो कि जो आप अपनी अपनी तकलीफें हैं, परेशानी शारीरिक, परिवार की, समाज की या बाहर की, दफ्तर और कचहरियों की जो वर्णन करते हो वो सुना सक जा रहा और उसका धीरे धीरे निराकरण हो जाएगा। बीमारी तकलीफों में धीरे धीरे आराम, क्योंकि आपने घर में इसको बुलाकर और बसा लिया है अपनी गलतियों से। बीमारियों के आने वाले दरवाजे आपने खोल दिए और जब बीमारियां प्रवेश हो गई तो आपके खून में ये पहुंच गई। देवियों के लिए ये आदेश है कि देवियां जब मासिक का महीना समय आए तो कोई भी देवी स्नान 5 दिन नहीं करेगी। हाथ धो सकती हो, पैर धो सकती हो और कपड़े सुंदर बार बदलो, लेकिन 5 दिनों तक स्नान मत करना, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो। जो भी
दवा होगी तो अपने आप बीमारियों के दरवाजे मत जो पुराने महात्माओं ने प्राचीन महात्माओं ने जो एक पद्धति आपके निरोग का विधान रखी है उसका पालन करो। जो गलती देवियां करेंगी उनको ये परिणाम स्वाभाविक भोगना पड़ेगा। ये घर घर में ये बताया जाता था और देवियां अपनी बच्चियों को ये सब समझा लेती थी। पहले महात्माओं ने बताया, फिर घर घर में जब इसका प्रचार हुआ तो फिर जब समय आता है तो सब शिक्षा घर में मिल जाती है, वो सब छोड़ दी क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा वो तो उदंड हो गई कि वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता और सब के सब पढ़े लिखे अनपढ़ शिकार हो गए बीमारी के। हर पुरुष और स्त्री में बीमारी प्रवेश हो गई। अब ये समझ में किसी की आता है कि बीमारी आ कहां से गई? तो कुछ ऐसी आपने यानी बदपरहेजियां की हैं जिसे ये परिणाम आपको उठाना पड़ा। ये है छोटी चीजें समझाने के लिए लेकिन बहुत बड़ी। ये जीवन का रोना है। महात्माओं की बात छोटी सी बड़ी होती है और जीवन का आपका साथी, लेकिन जब आप उसका उल्लंघन करोगे तो जीवन की घातक हो जाएगी। ये सोचने समझने की बात है। और जहां से बच्चे का जन्म होता है वहीं से खराबी पैदा हो जाए तो आगे क्या होगा? इसलिए अस्पताल जब ये शिक्षाएं हम लोग अनुकूल पालन करते थे तो न इतने अस्पताल थे, न इतनी दवाएं थी, न इतने डॉक्टर थे, सब लोग स्वस्थ रहते। तो जल्दी से बच्चों चलो, देर मत करो, देर करने की जरूरत नहीं है। और पुरुष के लिए कुछ परहेज बताए गए थे लेकिन वो उन्होंने खत्म कर दिए। देवियों ने और पुरुषों ने अपने अपने जो परहेज है उनको खत्म कर दिया, बीमारियां आ गई। मैं तो ये समझता रहता हूं कि महात्माओं ने यदि ये शिक्षा समय पर अनुकूल शिक्षा न दी तो इतनी भयंकर बीमारियां आ जाएंगी कि अस्पतालों में न तो कोई दवा मिलेगी और न कोई बनाने वाला मिलेगा। इसकी रोकथाम डॉक्टरों के द्वारा नहीं महात्माओं के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि अगर रोकथाम इसकी हो जाएगी और जानकारी दे दी जाएगी तो लोग समझ जाएंगे, आने वाली पीढ़ी समझ जाएगी। चलो चलो बच्चों चलो जल्दी से। कोर्ट कचहरी में जाते हो इतना ध्यान रखना चाहिए कि रामायण भी है और गीता भी है और भागवत भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है और ग्रंथ साहब भी है, तो कम से कम इतना इखलाक और इतना विचार तो होना चाहिए कि क्या सत्य है क्या असत्य है, हम कितना इसमें झूठ बना रहे और कितना इसमें सत्य है और कितना हम धोखा दे रहे। थोड़ा बहुत तो विचार कर कम करना चाहिए क्योंकि भाई आपका ही है, चाचा आपका ही है, भतीज भतीजा जो आपके घर में वो आपका ही है, चाहे वो आज अलग हो गया, और पड़ोसी आपके ही है। लेकिन जब आप अपनी इतनी कटुता अज्ञानता बरतोगे तो फिर रामायण क्या करेगी, गीता क्या करेगी? इसको आप साक्षी बनाओगे तो लोग भी गया पर लोग भी गया, तो थोड़ा कम करो, थोड़ा ढीला करो और दया के स्थान पर पहुंचो। जहां को दया मिलेगी उसमें आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, उसमें हिम्मत आएगी और साथ आएगा अपने पर और भगवान पर विश्वास करोगे। लेकिन जब सब तरह से दुर्बल कमजोर हो जाओगे तो क्या करोगे?
थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए, मनुष्य में मनुष्यता के तो अंकुश होना चाहिए। अगर ये बुद्धि के अंकुश मनुष्यता के नहीं रहेंगे विचार कर बहुत मुश्किल होगा। तो आज जो देखने को आ रहा तीर्थ तो अलग है, मंदिर अलग हो गया, हमान गांव कुछ भी इबादत अलग, लेकिन कचहरियों में तीर्थ बन गया। सुबह से आकर के शाम तक तीर्थों की तरह से जमघट रहता है, पता नहीं किस चीज में स्नान कर रहे हो, यह हालत है। उसका परिणाम यह है कि कर्मचारी अधिकारियों को भी मुसीबत, एक मिनट की फुर्सत नहीं तो वो भी परेशान, तुम भी परेशान, सारा का सारा माहौल परेशान। घर के काम भी गए और वो समय की बर्बादी और धन की बर्बादी अलग, कमाओगे नहीं तो खर्चे कहां से करोगे। तो सब चीजों का एक मूल एक विचार और उसकी एक दवा जब बन जाएगी और उस दवा का सेवन करोगे तो एक ही दवे से सब आपके शिकार हो जाएंगे। लेकिन वो चीज सब महात्माओं से मिलेगी और जगह नहीं। चलो चलो बच्चों जल्दी से, जो नामदान के लिए आए हो जल्दी आ जाओ। चलो चलो देर मत करो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। ओम ज्योतक गिर का चार संगठन की, ओम ज्योतक गिर का चार संगठन की, ओम ज्योतक गिर गाजगार संगठन की। ये दिन और समय जो आपको मिले हैं वो आपके लिए एक सौभाग्य और अति पावन घड़ी है। जीवन में इस तरह का समय मिला नहीं सकता। जो समय मिल गया उसका हम सब लोग लाभ ही प्राप्त करें। एक ऐसा छोटा मोटा एक सेवा का स्थान आप सबको प्राप्त हुआ जहां सब तरह की सेवाएं होती है। सामाजिक कोई व्यवस्था तोड़ना फोड़ना नहीं, न पुरानी बिगाड़ना, नई बनाना। जो जो व्यवस्थाएं प्राचीन काल से ऋषि मुनि महात्माओं ने आपको निर्धारित करके उस पर स्थापित कर दिया, उसी के अनुकूल जो थोड़ी बहुत गंदगी और उसमें व्यवहारिक अज्ञानता आ गई उसी का शुद्धिकरण करा लीजिए। बस अपनी अपनी जगह पर आ जाओ, कुछ नया बनेगा नहीं, कुछ पुराना बिगड़ेगा नहीं, और इसमें किसी को कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। नए बनाने में परेशानी, पुराने बिगाड़ने में परेशानी। तो ये मुसीबत कौन मोल ले, ना आपके पास समय, ना आपके पास शक्ति, ना मेरे पास समय, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं।
वो काम कर दिया जाए जिसमें शुद्धि हो जाए और सब लोग उसी डरे डांटे पर आ जाए। और जो व्यवहारिक जैसे जन्म होता है, परवरिश होती है और अंत में उसकी प्रलय हो जाती है, उसी तरह का अब जन्म तो आपका हो गया और परवरिश भी हो गई, तो अब आपको क्या करना है ये जानकारी आपको होना चाहिए। क्या क्या दायित्व आपको अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के बाद पूरे करने हैं ये जानकारी हो जाए, और इसी आश्रम में जब आप प्रवेश हो जाओगे तो उसी समय काल के अंतर्गत आपको क्या क्या करना अपने आत्मा के लिए, जिससे शरीर का और अपनी जीवात्मा का दोनों काम हो जाए। ये भी इसका भी पूरा पालन पोषण और निरोगता और इसी में रहकर के जीवात्मा का जागरण और ज्ञान, साथ ही साथ मौत मरने के पहले मुक्ति और मोक्ष। यदि आपने ये काम गृहस्थ आश्रम में इसी समय के अंतर्गत आपने इसके लिए भी थोड़ा समय बचा दिया, खत्म होने की क्रिया तो सबने की है और सब लोग लोभ लालच में फंस करके और देर को उसको स्वाहा करना चाहते थे, लेकिन प्रभु को इसलिए बचाना अनिवार्य है। युग युग समय समय पर पड़ता है कि कर्म क्षेत्र भूमि है, यहाँ अधिकार कर्म करने का मिला, फिर इन्हीं कर्मों से प्रारब्ध बनेगी, आगे का भोग मिलेगा। भोग जब मिल जाएगा तो उसको भोग लो और उसी भोग के साथ साथ कोई और नया कर्म कर लो तो आगे का मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ अगर आपने अपने आप को जला लिया तो भोग भी भोग लोगे और इससे इसलिए छुटकारा पा जाओगे कि आगे कोई ऐसा कर्म आपके पास नहीं होगा जो दोबारा प्रारब्ध हो जाए तो आप निवृत्त हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। तो ये औषधि जड़ी महात्माओं के पास जब दे देते हैं तो पुण्य को नहीं जमा होने देते और पाप को, इनमें से दोनों आगे जब जमा नहीं होंगे तो आगे की प्रारब्ध नहीं बनेगी। जब प्रारब्ध नहीं बनेगी मनुष्य की 84 की नरकों की, तो फिर आगे तो छुटकारा जीव के लिए है ही, छूट जाएगा। पापी पुण्य की तो बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, लेकिन दोनों अगर बांध दिए जाए तो कोई काम नहीं कर सकता। दोनों बेड़ियों से छुटकारा हो जाए तो आत्मा, ये जीवात्मा न जल में न मरे, क्यों ये पीड़ा उठाए? तो इसकी जड़ी महात्माओं के पास है। और आप मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के पीछे आकर के जीवात्मा को उस समय पर बैठा दिया गया जब यहाँ वेदों में कोई भी विधान नहीं था। उस समय पर न कोई तपस्या करने के लिए भेजा गया था, सब तपस्वी थे, ज्ञान स्वरूप थे, बोधक स्वरूप थे, सब कृतज्ञ थे, आज से अंत तक सब जानते थे, सब त्रिकालदर्शी थे और सब मतलब ये कि भविष्य वक्ता, कोई मतलब ये ऐसे कार्य नहीं उसके लिए बंधे हुए थे कि जिससे उसके पास कोई गंदगी जमा हो या उसके पास कोई शुद्धि जमा हो। लेकिन बाद में जब ये विधान बन गया और विधान का वेदों के द्वारा डंडोरा पीट दिया गया और उससे अधिकार आपको देकर के ये भान करा दिया गया, ये अच्छा ये बुरा ये पाप ये पुण्य है, और फिर जब आपने इसको किया तो फिर ये बंधन आपके लिए लगने लगा। जब जमा हो गया तो फिर इसका बंधन होगा, उसकी प्रारब्ध बनेगी और फिर उसके लिए आपको सजाएं अच्छी और बुरी भोगनी पड़ेगी, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा। पहले जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी थी और उसका वो हृदय जगमग 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 ज्योति से पूर्ण था। कहीं भी किसी भी कोने में अंधकार का नाम और निशान नहीं था, वो तो हर वक्त जगमग 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 जगमग, पूर्ण शक्ति उसमें व्याप्त थी, हर मानों में
चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पूरी शक्ति थी, पूरा ज्ञान था, पूरा बोध था और मतलब सब प्रसार कृतज्ञ थे। इसी तरह का तो जब आप मनुष्य मंदिर में बैठे हो और जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में, न इधर कंठ में है, न इधर हृदय में है, न इधर नाभि में है, न इंद्रिय द्वार में है और न गुदा चक्र में है, ये जीव का जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में। अब यहाँ जो बैठी हुई है तो उधर से जब कर्मों के आवरण में लाकर ढक दी गई, बंद कर दी गई आंख और कान, तो फिर अंधकार ऐसे छा गया जैसे बादल। जब छा जाते हैं तो सूरज चांद और सितारों का प्रकाश लुप्त हो जाता। उसका मतलब यह है कि सूरज को चांद को सितारों ने बादल ने नहीं ढका, वो तो बादलों ने आपकी आंख को ढक लिया, इसलिए दिखाई नहीं देता। अगर बादल को आप साफ कर दो तो सामने आपके सूरज चांद और सितारे, तो आपकी अंतर जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान को ढक लिया और सुनना और देखना बंद कर दिया। अगर वो पर्दा बादलों की तरह से हट जाए तो परमात्मा और परमात्मा की स्थिति सामने आपके। जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु साधक का जब खुल जाता है और जब कान खुलते हैं और वो देवबाड़ी ब्रह्मबाड़ी वो अनहद बाड़ी और वो शब्द है और नाम जब प्रकट हो जाता है और कानों को सुनाई देने लगता है तो 2400 घंटे एक शहर भी बंद नहीं होता। हर वक्त काम करते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, खेती करो, दुकान करो, कुछ भी काम करो, देवियां खाना बनाए, घर का काम करे, बच्चों की सेवा, 2400 घंटे सुनाई देता। ऐसा रस एक रस बरसने लगता और 2400 घंटे चेतना है, सोते में भी बरसता वहां भी चेतना है और वो तंद्रा अवस्था में सो लेता है। जैसे ऐसा मालूम हुआ कि न मैं सोया न मैं जगा, ऐसी तंद्रा अवस्था में वो लेट करके अपनी नींद को पूरा कर लेता है। बस इतनी थकावट आती है, वैसे 15 में भी चेतना रहती है। तो ये साधक के लिए कलयुग में उस प्रभु ने और महात्माओं ने दया करके सुलभ कर दिया और ये बताया है कि अब आपको कठिन साधन नहीं करना, कठिन ध्यान नहीं करना है, कठिन योग नहीं करना, कठिन नाम की कमाई नहीं करनी और कठिन प्रभु का स्मरण नहीं करना, सहज करना। और सहज ही से तुम नाम पर सवार हो जाओ। नाम एक रेलगाड़ी हवाई जहाज है और वो इतनी तेज रफ्तार से आता और जाता है कि इसकी कोई कल्पना लेखे जोखे में किसी तरह गणित में नहीं कर सकता, इतनी उसकी तेज रफ्तार है। और बिजली का भी समुद्र की लहरों का भी प्रमाण नहीं दिया सकता, इतनी तेज रफ्तार उसके आने जाने की है। ऐसी चीज निर्धारित अनाज का उस मालिक ने तैयार कर रखी है, लेकिन अब जब भेद मिल जाए, युक्ति मिल जाए और उस पर जीवात्माओं को सवार कर दिया जाए तो वो चेतन है। वहां तेल पानी की जरूरत नहीं, वो तो चेतन है, जड़ नहीं है। इस जड़ को तेल पानी मिले, चेतन ही चेतन है, न तेल पानी, न आगे की जरूरत, न वहां हवा की जरूरत, तो चेतन ही चेतन और जीवात्मा भी चेतन। तो असल में यह है कि शरीर में एक तो गुदा अस्था, दूसरा इंद्रिय अस्था, तीसरा नाभि का, चौथा ये हृदय द्वार और पांचवा ये कंठ। जरा ध्यान देना, छठा यह है ये भ्रकुटी विलास आज्ञा चक्र, ये जीवात्मा बैठी है। गुदा चक्र पर गणेश जी का बात, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का बात, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का बात और हृदय कमल में शिव और पार्वती का बात और यहाँ कंठ में जो है
वो आद्या महाशक्ति का भाव, और यहाँ स्वयं दोनों आंखों के मध्यभाग में जीवात्मा बैठी है, लेकिन इन नीचे के कमलों में ऊपर की छाया है। उस छाया में छाया है, उसे जीवात्मा के प्रकाश में उस ऊपर की छाया का यानी कमल के अंदर गणेश जी का दर्शन, ब्रह्मा और सावित्री का, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का, और हृदय में ब्रह्म शिव और पार्वती का, और कंठ में आद्या महाशक्ति का छाया के रूप में साक्षात्कार होता है। सही रूप नहीं, वो तो उनका रूप तो ऊपर सही है, लेकिन शरीर में कमलों में छाया पड़ी हुई है, और सूरज के जीवात्मा के प्रकाश में वो छाया दिखाई देती है। तो योगियों ने इस छाया का अनुभव कब किया? जब सतयुग त्रेता हो जाओ, जब शरीर में ताकत थी, अनुकूल साधन थे, गृहस्थ आश्रम परिवार अनुकूल था, खान पान पर पूरा नियंत्रण था, इंद्रियां उस समय पर दमन में थी, तब ये सब चीजें आपके लिए थी, लेकिन ये कलयुग में सब वर्जित कर दिया गया। ना गुदा चक्र का साधन, ना इंद्री द्वार का साधन, ना नाभि कमल का साधन, और ना मतलब हृदय का साधन, ना वो कंठ का। अब जीवात्मा जहां बैठी है, नीचे के साधन सब छोड़ दीजिए और यहीं से ऊपर चल जाएगा। अब ऊपर मंजिल 5 और नीचे मंजिल 5, जहां जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्यभाग में, ये तो जीवात्मा का शरीर में हृदय है, तो नीचे 5 स्थान और ऊपर 5 स्थान। अब बिचारी नीचे बची हुई थी, इसको महात्मा प्रकाश को कमल से समेट कर ले आए और यहाँ इसका केंद्रित कर दिया, यानी सिमटाव करके यहाँ खड़ा कर दिया। अब इसको आगे ले चलना, तो सैदल कमल और इसके बाद में ये ईश्वर का धाम, और फिर ऊपर में दूसरा स्थान ब्रह्म धाम, तीसरा स्थान पारब्रह्म धाम, और चौथा स्थान महाकाल, और पांचवा स्थान जो है वो सत्य। सूरत इस तरह से ऊपर से उतार कर और नीचे लाकर के डाल दी गई, दोनों गुलाखियों के पीछे बैठा कर और नीचे उतार दी गई गर्ता में। अब इसको होती नहीं, कब इसकी चेतनता बरामद होगी? ये बिना महापुरुष होंगे कोई काम ये कर ही नहीं सकता, और आपके कितने जीवन ऐसे चले बर्बाद हो गए। इसलिए आपको किसी को ऊपर का राज न। ऊपर क्या हुआ? जहां जीवात्मा बैठी है वहां को मध्यभाग में ऊपर किसी में वो दिव्य चीज, उसमें क्या हुआ है ये आपको कुछ पता नहीं, लेकिन जब ताकत, जब प्यास लगती है, भूख लगती है, इच्छा जागती है, तब होती है, रोता भी है और जीता है, प्रार्थना भी करता है, जब वेद मिल जाता है तो स्वरण भी करता और ध्यान भी करता है, तो मैं करता है और संसार से जीतता है, अपने काम से जीतता है। तो यदि कुछ ही दिनों में, महीनों में उसका काम बनना शुरू होगा, क्योंकि महापुरुषों की जब दया समावेश और सहयोग जब उसको मिलने लगेगा, जल्दी काम होगा, फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए महापुरुषों की दया और उनका सहयोग, उनकी शक्ति का अवश्य ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं, जब उनसे कुछ लेंगे तभी काम होगा, बगैर उसके नहीं होगा। तो मैं ये काम तो मामूली समझता हूं, इस काम को तो कुछ नहीं समझता, बस केवल इतना ही है कि आप खड़े भर हो जाओ तो ये काम कुछ नहीं है। ये भौतिक काम, सांसारिक काम, गृहस्थी का काम, खेती का काम, दुकान का काम और दफ्तरों का काम, ये काम कुछ नहीं है। इसको तो आप करो निमित्त मात्र, इस पर भी एक पैर रखो, उस पर भी रखो। ये गृहस्थ आश्रम है शरीर रक्षा का, तो एक नाव उस पर पैर रखो, ये गृहस्थ आश्रम की, ये बाल बच्चों के पालन पोषण और परिवार और समाज इसकी सेवा के लिए एक नौका ये, और एक ये नौका है जीवात्मा को पार होने की, ये नौका है शरीर रक्षा की। तो जब महात्मा मिल जाए
तो बीरे से दोनों पर पैर रखवा देते हैं, इस पर भी जमाए रहो, इस पर भी जमाए रहो, और दोनों का बैलेंस अभी बराबर रखो। अभी तो आग तो एक पर है, एक ही पर है, तो उन्होंने कहा नहीं ये देखो नाव नाव परमार्थ की, इस पर भी रख लो, ये स्वार्थ की नाव है, इस पर भी रखे रहो। इस पर तो धीरे धीरे अपने उपदेश के द्वारा और दया के द्वारा और शक्ति के द्वारा धीरे धीरे वो जो स्वार्थ की नाव है सांसारिक, उसका जरा सा पैर का हल्कापन और परमार्थ पर जरा वजन ला दिया, बस आपकी स्वाभाविक जरा होने लगी। ऐसा ऐसा इन्हें इच्छा नहीं अरुचि होने लगी, तो धीरे 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 उस पर जमा होने लगा, शरीर की ताकत का एक पर जमा हो। अब वो इस तरह का आपका हो जाएगा कि इस पर तो जमा हो गया और ये निमित्त मात रह गई, तो जब तक रहो तब तक ये निमित्त मात बस रख लीजिए, तो ये अंदर में उस पर जमाओ कर लो और ये तुम्हारा इसको बिगाड़ना नहीं। तो इसलिए हमने तो कोई ऐसा काम रखा नहीं है कि आपको गृहस्थ आश्रम का कोई काम बंद करना है, कपड़े पहनो, खाना खाओ, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो और जो थी रस्म रवाज उसको भी करो, ये सब करो, हमने सब पर कहा रखे, किसी काम को बंद नहीं किया। और ये है परमात्म, यहां बैठ करके आप इधर से अपने ध्यान को हटा दो, थोड़ा खेती से, दफ्तर से, दुकान से, बच्चों से, इनसे उनसे थोड़ा दो मिनट, पांच मिनट, दस मिनट के लिए यहां ला करके मन को, बुद्धि को, चित्त को इन्हीं जीवात्मा के साथ में इसको लगाकर वो थोड़ा सा सही हो, बस इतने में काम कुछ नहीं बिगड़ेगा, संसार बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा और परमार्थ। जैसे ही आप यहां से दरवाजा खोल करके चल पड़े, बस चलने वाली बात, अगर एक कदम भी पड़ गया तो फिर रुकने वाला नहीं, दूसरा कदम जरूर उठ जाएगा। वो चाली इस तरह की है जीवात्मा की कि जैसे ही एक कदम बढ़ा वह दूसरा प्रवेश कर जाएगा, काम आपका होगा। तो इसलिए आपको ये भेद है, अभी कुछ नहीं मालूम कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, ये कुछ नहीं है। साधक लोग क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या आनंद और शक्ति उनको मिलती है, अब ये तो बताने का आपको आदेश नहीं है। वैसे तो ये बता सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको बताकर साधकों का नुकसान हो जाए। साधक अपनी चीज भी रखे और आपको कुछ समझा बुझा भी दें, इनका कोई नुकसान ना हो, आपका फायदा हो जाए। असल में चीज यह है कि गोपनीय राज ये साधक नहीं बताते, इन्हें बताएंगे तो इनसे तो कुछ आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जब ये घेर घार करके यहां ले आएंगे तो फिर यहां सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस ये समझ लो कि आपके पक्के साथी है, ऐसा मत समझो ये किसी बुराई की तरफ ये ध्यान नहीं देते हैं, ये अच्छाई की तरफ ध्यान देते हैं। इनका लक्ष्य यह है कि बुराई छूट जाए और अच्छाई में प्रवेश हो जाए। वैसे तो बुराई को बुराई आप भी घर में मानते हो, उससे आप भी दुखित हो जाते हो कि ये बुरा है, तो दूसरा अगर आपको ये कह दे कि ये बुरा है तो वो जानता है कि ये कहता बुरा, आप जानते हो तो आप कहते हो बुरा, तो बुराई तो बुरा ही है और अच्छाई अच्छा ही है, इसलिए बुराई की तरफ ध्यान नहीं देते, ये तो चाहते हैं कि बुराई हट जाएगी अच्छाई आ जाए, ये लक्ष्य। तो ये पक्के आपके साथी यानी दोस्त सहयोगी, इनको अपना समझना चाहिए और असली जगह पर पहुंचा दे, इससे बड़ा परोपकारी कौन हो सकता है। तो ये सब चीजें सामाजिक लेकर के चली जा रही है, इनसे अलग थलग आपको नहीं किया जा रहा। तो मैं आपकी जो व्यवस्था योजना है उसको पूरा बना करके तैयार कर चुका हूं और बस यह है कि जैसे ही अपनी जगह पर आप खड़े हो गए वैसे ही योजना आपके सामने रख दी जाएगी। और जब वो चक्र है यू योजना के अंतर्गत जब आप प्रवेश हो जाओगे
तो सारा का सारा जो है उसका ज्ञान और राज आपको समझ जाएगा, फिर उसके लिए कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। अब यह है कि न जानने के कारण तो सारा संसारी सुन है, गृहस्थ आश्रम बेकार है, काम बेकार है, और जान लिया तो गृहस्थ आश्रम अपनी जगह, काम भी अपनी जगह हो जाएगा। तो हमने जो आपको बताया, क्योंकि आपको अभी आदेश दूंगा आपको अभी कि आपको मतलब ये जाना है, तो भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकारों का तो देश में अभियान चल रहा, साथ ही साथ कर्मचारी अधिकारियों का कार्यक्रम चल रहा, साथ ही साथ में सेठ साहूकार दुकानदार उद्योगपतियों का भी कार्यक्रम इसी के साथ साथ चल रहा, और साथ ही साथ यानी छात्रों का भी कार्यक्रम चला। मैं तो ये समझता हूं कि इसमें सब आ जाएंगे, छात्रों में सबके छात्र आ गए, दुकानदारों में सब जातियों के दुकानदार और पेट सालदार उद्योगपति आ गए, और कर्मचारियों में सब दफ्तरों के यानी कर्मचारी सभी जातियों के आ गए, और भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकारों में सब कौमों के भूम ज्योतक और खेतिहर काश्तकार आ गए। तो चार ही जातियों का बंटवारा कर लीजिए। मैं ध्यान दे जाता हूं कि जरा इनके बारे में भी सोचा जाए, तो मैं सोचता हूं कि कितना इनको वेतन मिलता होगा, तो इतना वेतन मिलता होगा इनको, इसमें कितना कट जाता है वो भी मैं जानता हूं कि इनकम टैक्स कितना कटता है, और फिर इनका बीमा और ये वो योजनाओं में कितना चला जाता होगा, तो इनके हाथ में कितना बचता है वो मुझे सब मालूम, उससे पूरा नहीं करता, बिल्कुल पूरा नहीं करता, जजों का सुप्रीम कोर्ट के पूरा नहीं, हाई कोर्ट के पूरा नहीं, डिस्ट्रिक्टों का पूरा नहीं, डीएम का पूरा नहीं, एसपी का पूरा नहीं, और इनका पूरा नहीं और उनका पूरा नहीं, तो छोटे कर्मचारियों का उनका तो बिल्कुल ही पूरा, क्योंकि महंगाई तो सब पर समान है और टैक्स भी सब पर समान है। तो असली बात यह है कि जो सरकार जो राजा अपने मजदूरों पर टैक्स लगा दे व्यवसाय कर, वो सबसे गिरा हुआ राजा, उससे गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता, उसका ज्ञान खो गया, उसकी कला कौशल खो गई और उसकी योजना खत्म हो गई। जो राजा अपने मजदूरों पर व्यवसाय कर लगा दे, अरे कर्मचारी अधिकारी जो बेचारे काम करते हैं, ये कौन है मजदूर, 15 दिन 14 दिन की छुट्टी ले लें और छुट्टी साल की खत्म हो जाए, डॉक्टरी भी बीमारी की छुट्टी खत्म हो जाए, तो जब ये छुट्टी लेते हैं तो इनकी मजदूरी कट जाती है, यानी पे कट जाती है। तो ये सब लोग मजदूरी के लेके जोखिम में आते हैं। व्यवसाय का मतलब यह है कि 10 रुपए घाटा और 1 लाख रुपए मुनाफा, ये है व्यवसाय, ये है मजदूरी। व्यवसाय अलग है, मजदूरी अलग है। तो ये कहकर के अगर लगा दिया जाए कर्मचारी अधिकारियों पर कि ये है व्यवसाय कर, तो ये मर जाएगी। तो मैं कभी कभी उन लोगों की तरफ ध्यान ले जाता हूं जहां पर कि 20 साल और 25 साल और मतलब सजाए मौत देते हैं, और उनका उस वेतन में जब खर्चा नहीं पूरा होता है तो उनके घर में बच्चे और बच्चियां, तो जज है 10 लाख दो, 20 लाख दो, ये सामान दो, ये सामान दो, खर्चा तो पूरा नहीं पड़ता, तो चिंता सवार रहती। और जब इसको घर की चिंता सवार बच्चे बच्ची की होगी तो न्यायालय में बैठ करके यानी मतलब ये स्वच्छ है यानी निर्कल बुद्धि से कैसे न्याय कर सकेंगे, क्योंकि वो परेशानी चिंता में घिरे हुए। तो मैं कभी कभी यह बात सोचा करता हूं कि जब उनका रिटायरमेंट आ जाता है और वो रिटायर हो जाते हैं और उससे वेतन जो उनको पेंशन मिलेगी उसमें पूरा नहीं पड़ता, तो फिर ये क्या करते हैं, किसी फैक्ट्री में अगर जगह नहीं किसी फैक्ट्री में मिली और किसी जगह फिर साहूकार के यहां नहीं मिली, तो फिर न्यायालय में आते हैं और वकील की हैसियत से फिर काम करना शुरू कर देते हैं, तो कटघरे में खड़े होते हैं। और फिर इस तरह से वही जज जो हाईकोर्ट के थे या सुप्रीम कोर्ट के थे खड़े होकर कटघरे में
मोकिल की तरफ से फिर सलाम करते हैं। तो ये राष्ट्र के संविधान का प्रजातंत्र पूर्ण रूप से अपमान, पूर्ण रूप से अपमान। इस पर आज तक कभी किसी ने विचार नहीं किया। ये भारतीय प्रजातंत्र का पूर्ण रूप से अपमान। ऐसे बड़े बड़े पदों की आपको मतलब यह है कि पूरी पूरी देखभाल रखना चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े पद हैं और फिर आकर के वही व्यक्ति निम्न श्रेणी पर आकर अपने घरे में गिर जाए और फिर सलाम करे, ये भारत के लिए शोभन। तो मेरे पास इसकी भी योजना है, इसको आप ध्यान में रखिए और ये कभी न कभी लागू हो जाएगी। पूरी योजना है, कभी लागू हो जाएगी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि कर्मचारी अधिकारियों का काम हो जाएगा, मासिक वेतन इनका पूरा सुविधा इनको मिलेगी, टैक्स महंगाई कम हो जाएंगे और पूरी सुविधा मासिक वेतन बचेगा, छात्रों को काम नौकरी बिना ढूंढे हुए मिलेगी और घूम जोतकों का सारा 40 सालों का सरकारी कर्जा में ब्याज के माफ हो जाएगा और शेख साहूकारों का काला धन सबका धन 100 वर्षों के लिए सफेद करवा दिया जाएगा, कोई जुल्म और कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक नए पैसे का और सब लेसन खत्म करवा दिए जाएंगे। आपको ये धन कहां से आएगा? मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि भारत में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और आपको क्या चाहिए? धन की कोई कमी नहीं। आप लोग बेइज्जत बदस्तूर सम्मान के साथ खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, क्यों ये सब झंझट झंझट में फंसते हो? धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वर्तमान में अंधेरा उजाला नहीं, ये सब चीजें जो एक सूक्ष्म संकेत में आपको दी जा रही, इसके साथ बहुत गहरा मसाला है या गहरा भंडार का हो या गहरा ज्ञान का हो, कोई ऐसी चीज है जो वास्तव में और समय आने पर सब इस पर आकर के सब से सब एकदम खड़े हो जाएंगे, अपने काम में लगे रहो। देखो इस का चमत्कार, अरे खुदा की खुदाइयत का करिश्मा, जब देखो उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत इंतजार नहीं करोगे तो आपको जब और नाम और कीर्ति तो आपको कैसे मिलेगी, फिर उसमें आप भागीदार कैसे बनोगे? तो इंतजार तो थोड़ा करना है। परिवर्तन का जब इतिहास बनता है तो इंतजार के साथ इतिहास बनता है। वैसे तो रावण मार दिया जाता, मरवा दिया जाता, महाभारत कहीं भी किसी कोने में बैठ के करवा दिया जाता, लेकिन मतलब है कि इंतजारी के साथ इतिहास नहीं बनता। इतिहास तब बनता है इंतजारी के साथ, काम के साथ। काम जो है वो इंतजारी है और कोई मालूम नहीं। तो मैं नामदान दूंगा अब आपको, क्योंकि ये भी इच्छा लेकर आए हैं कि चलो आज जल्दी पहुंचे, कल ही आ गए थे, समय ज्यादा हो गया था, तो कल मैं नामदान रात को नहीं दे सका, इसलिए कई एक काम रात को करने थे, तो अब आप नामदान विधवा ले दीजिए और ये संकल्प लेकर के यहां से जाइए कि चाहे मुझे एक मिनट देना हो चाहे दो मिनट। वैसे तो मैं आपसे एक घंटे 24 घंटों में मांगता हूं कि एक घंटे आप 24 घंटे में रिजर्व कर लो अपना सबके सब, और उसमें 2 मिनट शाम को, 2 मिनट दोपहर को, 5 मिनट इस और 5 मिनट आप, और जब भी आपको समय मिल जाए तो पूरे सब दिन भर के मिनट मिलाकर एक घंटा जोड़ लो 23 घंटे तक का, घर के गृहस्थी के सोना ये वो सब ये आप इसमें लगा सकते। 1 घंटे में ये काम आप भगवान का आत्म जागृति का और भजन और 23 घंटे अभी से और सप्ताह आपको क्या है। और फिर ये भी आपको बताया कि लेट थे बैठ थे खड़े हो गए कुर्सी पर चारपाई पर, स्नान करो मत करो, जहां जिस समय मौका मिल जाए 2 मिनट उसकी मजदूरी मिल जाएगी, मेहनत की 4 मिनट 10-15 मिनट, तो आप नहीं कर सकोगे
तो जम के खाओगे जूतियां। जम की जूतियों में इतने कांटे हैं, इतने तीक्ष्ण उसकी धारा है काटने की। जूतियां जब पड़ती हैं, बड़े बड़े बादशाह चक्रवर्ती वहां आज भी पीटे जा रहे हैं आपको देखा। ऐसी जम की जूतियां हैं, वो किसी को छोड़ता नहीं। तो आप लीजिए नामदार, इसको कहते हैं अरे गुरु मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए और मतलब ये दे दीजिए, सब कुछ नहीं। कलयुग में नामदार जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई, उसका दान वो क्या है? नाम दान, जीवात्मा का नाम दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़ के कोई दान नहीं। तो नामदान लीजिए और नामदान के साथ साथ में ये संकल्प बोलना है अपने मन ही मन में, चिल्लाना नहीं कि हम अपनी बुराई दे देंगे। जो हमारे पाप है मन से, आंखों से, कान से, जो अंदर जमा है वो हम सब अर्पण करते हैं। ये तो दीजिए दान और अच्छी चीज दीजिए आप। 10 मिनट स्मरण में, 10 मिनट ध्यान में और आधा घंटा बजट 50 मिनट, 50 मिनट में 10 मिनट और रह गए अभी। तो आपको ये जानना चाहिए कि आप 1 घंटा दे तो ये काम सुलभ सीधा अभी हो जाए। अब कहीं भी कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन बंधन किस बात का है कि 24 घंटे में आपको समय दो, ये तो बंधन है, बाकी बंधन नहीं है। ये जरूर बंधन है कि नशीली वस्तु है आप सेवन मत करना, और जितना भी घी दूध फल और फ्रूट और अनाज है उसको दिन में 100 बार खाओ, लेकिन गंदी वस्तु खाना खाओ, ये ध्यान रखना। बाकी तुम दिन में 100 बार खाओ, हम मना करें तो आप खाओ, भजन करना है आपको जरूर, वो तो 24 घंटे में उससे तो आपको छोड़ना नहीं है, बाकी 23 घंटे करके काम करो, इसलिए समय आपको देना। और जो भी आपको सुबह सुलभ समय मिले, सुबह दोपहर शाम को या आगे पीछे जब भी, उसको दीजिए आप, तो जल्दी काम हो जाए। यह है ये शक्ति का अपना प्रभाव, यानी उतार ऊपर से युगे युगे समय समय पर होता आया, आज की नई बात नहीं है, ये जरूरत पड़ी तब हुआ। तो ये चीज आपको नामदार, आप कार्ड वालों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पहले के नामदानी की इनको लिखा देंगे और इनको भजन बताएंगे, ध्यान बताएंगे, सुमरण बताएंगे। जब कभी आगे पीछे नाम को भूल जाए, रूप को भूल जाए, तो आपका कर्तव्य दायित्व है कि इनको बताएं, और आपका ये कर्तव्य इनसे पूछ लें। लेकिन ऐसे व्यक्ति से मत पूछिएगा जो जानता ही नहीं, जिसको नामदान पता ही नहीं उसे पूछने के वो क्या बताएगा। और फिर अपनी गोपनीय जो अंदर की चीज है, जो आपसे देखो कान से सुनो, वो तो कार्ड वाले को भी मत बताना। ये जो नाम याद कराएगा, वजन आपको बैठा के बताएगा, तो ध्यान बताएगा, सुमरण सिखाएगा, उसको भी देखा सुना मत बताना, उससे भी छुपा लेगा। जितना छुपा लोगे उतने अंदर प्रकट, उतने उतरेगा, उतना ही खजाना खुलेगा, उतना ही प्राप्त होगा। अरे तुम क्या है, बड़े बड़े बादशाह जब इस बच्चे को प्राप्त करते हैं तो राज और पूरी संतरत पर चक्रवर्ती राज पर लात मार देते हैं। ये कुछ नहीं है, वो कहते हैं कुछ नहीं, राजा जनक लात मार दिया, वो कुछ नहीं समझते। बड़े बड़े इतिहास लिखे गए, ये तो कुछ और चीज है, ये कुछ नहीं है। वो चीज गृहस्थ आश्रम में यदि आपको प्राप्त हो तो इससे अच्छा और सुहाना समय कौन सा है। ये आपका स्थान है, आप साधना कार्यक्रम में भी आज बरसात में होगा गुरुपूर्णा जुलाई के बाद, तो आप उस समय जो आस पास के हो और जो इच्छुक जिज्ञासु होते हैं वो आते हैं। 1 हफ्ते का कार्यक्रम चलता है, उसमें खामियां, उसमें गलतियां, उसमें करना न करना, उसमें बढ़ना न बढ़ना, जानकारी उसमें प्राप्त हो जाती है, ताकि उनको और प्रोत्साहन और उन पर दया मिलती है और आगे बढ़ती है। इस तरह से कार्यक्रम चलता रहता, और मैं अभी जैसे ही 31 मार्च समाप्त होगा तो मैं अभी घोषणा करता हूं दौरे की। अब आप लोग अपना एक कार्यक्रम बनाएंगे,
ये लोग कुछ मनाते चले आए, क्योंकि मैं 21 महीने मैंने तो कभी कहा नहीं था, 21 महीने मुझे सरकार ने यानी क्रोध में, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं था, मैंने तो कोई आंदोलन हड़ताल तोड़फोड़ कोई अमानवीय काम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का ये कोई जात पात का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन ये वो छोटे दो भी और कोई मैंने तो कभी किया नहीं, मेरे यहां तो कोई रगड़ा झगड़ा है नहीं, लेकिन भविष्यवाणी जरूर करता था, उससे सरकार मुझसे नाराज और उसने इस नाराजगी में नेता लीडरों को तो पकड़ा ही, मुझे भी पकड़ लिया और बदर के जेल में बंद कर दिया, फिर मेरे ऊपर इतने बखेड़े लगा दिए, इतने झंझट लगाए उन्होंने, सामान लेने के, ये लेने के, जमीन लेने के, जानवर लेने के, इतने बखेड़े या झंझट खड़े कर दिए कि अगर मेरी जगह पर बादशाह भी हो तो खत्म हो जाए, ऐसे झंझट झंडे खड़े, छोटे मुकदमे नहीं है, मामूली मुकदमे नहीं लगाए, इतने झंझट मुकदमों के लगा दिए। और मैं एक सामाजिक आदमी, जनहितों का काम करने वाला, मेरे ऊपर जबकि मैं रात और दिन चिल्लाता हूं मेरा कुछ नहीं है, ये सब जनता जनार्दन का सब कुछ है, जब मैं खुले मैदान में ये कहता हूं तो मेरी भावना ही वही है, तो लिखा पढ़ी क्या हो सकती, लिखने पढ़ने वाले तो रोज बेईमानी करते, रोज लिखा पढ़ी का दस्तावेज बदल देते और झूठ झूठ बोल जाते हैं, तो मेरी जबान दस्तावेजी है, तो मैं जनहितों का काम करता हूं, तो मेरे ऊपर सरकार ने इतने बखेड़े, और कल मैंने ये बात कही है कि ये सब बखेड़े न्यायालयों में अब भी मौजूद है, लेकिन सरकार ने लखनऊ से नया फेक गजट निकाल दिया, जो दस्तावेज मैंने जमीनें खरीदी नाम की उंडा और इतना आंखों से देखते हो कि बना हुआ फेक गजट निकाल दिया कि जमीन एक्वायर की जाएगी, बताइए तो आप पूरा मथुरा को गजट कर दीजिए कि सब ये कारखाना मथुरा सबको भगा दिया जाएगा और यहां कारखाना बनाया जाएगा, सब मकान तोड़ दिए जाएंगे, मंदिर और मस्जिद सब तोड़ दी जाएगी और यहां कारखाना बनाए, गजट निकाल दीजिए, क्योंकि आपको तो गजट निकालने का पूरा राइट और अधिकार है, तो निकाल दीजिए। तो असली चीज यह है, इसको समझने की चीज है, इसको समझिए, तो मुझे जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करके मुझे इस योग छोड़ दिया था कि ये कभी भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं तो ईश्वर विश्वासी आदमी, मेरे पास ऐसे सेठ साहूकार भेजे गए कि तुम हवाई जहाज ले लो, एक ले लो, ये जमीन क्या है तुमको हजारों एकड़, तुमको जमीन दे दी जाए, एरोड्रम बनवा दिया जाए, मेरे पास बड़े बड़े सेठ आए और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ सेवा करने को तैयार हैं, हमें क्या करेंगे, कहेंगे जो आप जितना चाहे धन हम खर्च कर देंगे, तो मैंने कहा एक काम कीजिए कि अयोध्या में, मथुरा में और यहां और हरिद्वार में और नासिक में लूले लंगड़े अंधे बहरे ये तमाम रहते हैं बेचारे गरीब, जिनके पास कपड़ा और खाना नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि कम्बल अनाज और रोटियां और ये दवाएं ये सब तुम छत में ला दो और चलो मेरे सामने बांटो, कहने लगे ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, तो हमने कहा भाई ये काम नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों कि राजद्वारे साथ जाए, राजाओं के दरबार में तीन लोग जाया करते हैं, राजद्वारे सात दिन तीन वक्त को जाए, साधु जो है तीन चीज को जाते हैं, क्या नाम, क्या माया, क्या मीठा गीता, या मीठा के लिए मान के लिए धन के हो सकता, तो हमने कहा भाई ये काम नहीं हो सकता तो ये भी हो सकता, क्यों कि राजद्वारे साथ जाए, राजाओं के दरबार में तीन लोग जाया करते हैं, राजद्वारे सात दिन तीन वक्त को जाए, साधु जो है तीन चीज को जाते हैं, क्या मान, क्या माया, क्या मीठा गीता, या मीठा के लिए मान के लिए धन के, तो इनमें से तीनों चीजें हमको कुछ नहीं चाहिए, न मीठा चाहिए, न मान चाहिए और न माया चाहिए, अब बोलिए अब आप क्या चाहिए, कह लगे तब फिर ये, तो मुझे लालच दी गई, मेरी जगह पर अगर कोई आदमी होता और तो बिल्कुल सराबोर हो जाता, लेकिन मैं तो एक सिद्धांतवादी छोटा मोटा आदमी, एक सेवक, मैं तो भगवान में विश्वास करने वाला, मैं तो जानता हूं कि जब ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है तो क्या तुम संतुलन लेकर मकान लेकर क्या मैं ये जमीन लेकर जाऊंगा, अरे जो काम कर रहा हूं मानवता का और आत्मा का जो हो जाए हो जाए, उसे मुझे कोई खरीदे, कोई हिन्दुस्तान में माई का लाल ये पैदा नहीं हुआ जो अपने धन से बाबा जी को खरीदे, तुम कभी ये धोखा मत खाना,
बाबा जी चाहे तुम्हारे आदेश से आश्रम छोड़ करके चले जाए जो जनित होगा है, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे अपने पैसे से कोई खरीद नहीं सकता। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। बाकी मैं सबकी सेवा करता हूं, सबके लिए कल्पना और प्रार्थना भगवान से सबके भलाई के लिए करता रहता हूं, कोई भी हो जनमानु। इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात, वो तो मैं करता ही रहूंगा। लेकिन कोई अगर चाहे कि भाई इस तरह से मैं खरीद लूं तो खरीद लू। ये मैंने इसलिए कि ये लोग इसका एक उत्सव मनाते हैं, आज 23 जनवरी है, ये 23 मार्च, 23 मार्च को मुझे जेल से, दिल्ली जेल से छोड़ा गया। तो वैसे तो कागज पर तो कहीं नहीं मिलता है कि बाबा जी ने बेड़ियां पहनी है, लेकिन बाबा जी को जेल में डकैत और चोरों कटलियों की तरह से बेड़ियां पहना दी थी। जब मैं बंगलोर में भेजा गया तो वहां पूछा वहां के आईजी से और सुपरिंटेंडेंट से कि भाई हमको क्यों बेड़ियां पहनाई, तो उन्होंने खुद आकर के कहा कि कागज पर तो आपका कुछ नहीं है बेड़ियों के संबंध में, क्या वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे बहुत नाराज है? हमने कहा आप समझ लीजिए नाराज इसलिए तो कि किसी तरह से हमारे बस में आ जाए। और बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा जेल में, अरे भाई क्या करते हो, ये क्या है? जब 23 जनवरी को छोड़ दिया तो मुझे हिफालत में छोड़ा था कि बाबा जी मैं तो अपना धर्म उपदेश करेंगे, मैं कर्म उपदेश करेंगे, मैं बाहर जाएंगे और भाग जाएंगे, अब दोबारा नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब तो मैंने इतना जनमत तैयार कर दिया कि किसी राजनीतिक पास और किसी धार्मिक के पास इतना जनमत देश में है ही नहीं, इतना जनमत नहीं है। जब मैं जेल के अंदर था और उस समय पर आपने कुछ समय के बाद जब अभियान छेड़ दिया था कि जेल भरो आंदोलन और 20-25-30 हजार आदमी चले गए जेलों में, और वो बेबियां जो अपने बच्चों को यानी आज पैदा किया बच्चे को उठा के और शोर से चली गई जेल में, और वो बेचारी जो बच्चा पैदा होने वाला जो आज ही कल में जेल में चली गई और बच्चा जेल में हुआ, अगर स्त्रियां अपने एक दिन के बच्चे को उठा के जेल में जा सकती है और वो बेबियां जो कल बच्चा जेल में पैदा होगा वो जेल में जा सकती है, तो अब तो बहुत दूर गाड़ी हो गई। अब तो इनको अगर आदेश मिल जाए तो क्या कर देंगे आपको तो अभी कुछ पता नहीं मालूम नहीं। तो अब बहुत दूर चला गया मामला, अब कुछ और बात हो गई है, वो बात नहीं है। अब तो सारा ही माहौल यानी परिवर्तित होने वाला है, अभी आपको क्या पता। इसलिए ये लोग मनाते हैं तो मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो उधर कमरे में चला जाऊंगा और ये लोग कुछ अपना मना के अभी समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब ये यहां आए हुए हैं और इसी होली के अवसर पर ये जगह जगह मना रहे, लेकिन ये पड़ गया और आप लोग यहां मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप लोग हमेशा क्षमा करते रहेंगे और इसके बाद आपसे जाने की आप तैयारी करें, जल्दी निकले और पहुंचे अपने घरों में और दूसरे साथी द्वारा आदेश की प्रतीक्षा करें और वो फौरन अभी आदेश आपको मिलने वाला है। अब लोग बहुत से ऐसे रह गए कि महाराज मैं अपनी कुछ बात कह नहीं सका, इतनी दूर से आया था तो मैं उधर अंदर में पहुंचूंगा तो जो भी आपकी बात होगी वो सुनूंगा और जो प्रसाद होगा जो जरूरत पर आपके काम आता है वो भी आपका स्पर्श कर दूंगा। तो आपकी तकलीफ में परेशानी में इसमें उसमें जो एक आधार होता है मददगार का, अगर मैं ऐसे ही कह दूं तब तो आपकी समझ में आएगा नहीं, लेकिन एक आधार रहेगा कि इलायची दाना है, चीनी है, बताता है, ये चीज है, तो आप उसको रखे रहोगे और जरूरत पर काम लोगे तो उससे जब लाभ हो जाएगा तो आपको फेस हो जाएगा, विश्वास होगा कि नहीं मालिक की दया मुझ पर भी हो रही है। तो मैं उधर बैठ के छूटूंगा, आपको मुझसे कोई आदमी खाली जाने वाला है ही नहीं, ऐसा नहीं, जितने भी लोग हैं मिली के जाते हैं इस पर जी करा के जाते हैं उनको ये मालूम है, तो वो कर दूंगा वहां मिलूंगा। और अब तो मुझे आप थोड़ा यहीं नीचे रहूंगा, आप बैठे रहेंगे कोई खड़ा नहीं होगा, मैं यहीं अंदर ही बैठूंगा यहीं ऊपर सीढ़ियों पर, तो आप सब बैठे रहेंगे और ये भी कार्यक्रम कुछ ही मिनट में पूरा कर लीजिए आप, क्योंकि इन लोगों ने प्रार्थना की है कि आप जाइएगा नहीं, आप यहां अंदर बैठ जाइए मैं अपना काम कर लूं, तो वो अपना काम अभी हुआ जाता है।
बाकी आप लोग ये नामदान हुआ है अमूलक चीज है, इसको याद करा देना और आज ही से ये शुरू कर दो। ये गरी आधी में पुना तुलसी संगत आती हरे कोट अपराध, ये वस्तु ऐसी है आधी की, इसमें जरा भी ढील करनी नहीं करनी, न क्षणों की ढील करनी ना एक मिनट की, इसको करना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।